नमस्कार दोस्तों, एमएम फार्मिंग पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए वीडियो लाए हैं मेसी फर्गुसन 5118, जैसा कि नाम में मेंशन है 18 एचपी का ये ट्रैक्टर है। लुक वाइज काफ़ी शानदार है छोटे किसानों के लिए। और देखिए जो 1035 वाली लुक है ना, वही छोटे ट्रैक्टर में लुक दे दी गई है इस ट्रैक्टर के अंदर। और यहाँ पर इसका जैसे मैं कुछ फंक्शन की बात करूँ तो ड्राई ऑयल वाला एयर क्लीनर है इसका, और फ्रंट में भीतर इसकी बैटरी रख दी गई है। सादा स्टेयरिंग आता है इस ट्रैक्टर के अंदर। और इस ट्रैक्टर की जैसे ओवरऑल लुक की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसकी जो प्राइस रेंज है वो आपके समझ में आने वाली है। इतनी शानदार प्राइस रेंज इस ट्रैक्टर की है। अगर प्राइस की बात करें तो 3,10,000 रुपये के अराउंड में, थोड़ा कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ तक आपको ये राकेश भाई के पास मिल जाएगा ट्रैक्टर। ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको इनका कार्ड नंबर दिखा देता हूँ, श्री श्याम ट्रैक्टर से। और इस ट्रैक्टर की जैसे देखिए और बातचीत करते चलते हैं, यहाँ पर साइडों में लिफ्टों का कंट्रोल दिया गया है। और गियर की बात की जाए तो यहाँ पर 4 और रिवर्स, 4 फॉरवर्ड के हैं और 2 रिवर्स के हैं, 8 फॉरवर्ड के और 2 रिवर्स के। आयलो मिल जाता है आपको, ये देखिए आयलो न्यूट्रल है यहाँ पे। और बैक से बात की जाए इस ट्रैक्टर में 16 एचपी का इसका जो आपको पीटीओ मिलेगा, 750 केजी की इसकी लिफ्टिंग मिलेगी आपको। यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूटर भी दे दिया भाई, कोई डंपर वगैरह छोटा मोटा इम्प्लीमेंट जो इस पर चलता है वो चलेगा। और लाइट वगैरह सारी व्यवस्था है रात में काम करने के लिए भी। और जैसा टायरों की बात की जाए, टायर काफ़ी शानदार है बागवानी के हिसाब से हैं, 8/18 के हैं, 8/18 के पिछले टायर हैं। और फ्रंट टायर की बात की जाए तो इसके 5/25/14 के हैं। सादा स्टेयरिंग है जैसा कि मैंने आपको बताया, एक सिलेंडर इंजन के साथ ही आता है। ये देखिए यहाँ पर एक सिलेंडर है, तो इससे हम ये चीज़ देख सकते हैं कि इसकी जो एवरेज है वो बहुत ही शानदार होने वाली है। ये एडजस्टेबल है, जिस बाग में चलाना है तो ऐसे रख लो। अच्छा जी, सड़क पे चलाना है इसको खोल के इधर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसका ये भाई साहब बता रहे हैं ये इसको हम खड़ा भी कर सकते हैं, जैसे आपको इसमें दिक्कत है तो बागवानी में इसको साइड में भी लेटा सकते हैं। हाँ, रोड पे चलाना तो आप सीधा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका और जैसे आपको दिखाते चले तो और यहाँ पर क्या कुछ खास दे रखा है इसके अंदर, ये बंद करने के लिए। ठीक, कम्बिनेशन स्विच हो गया जिसमें हॉर्न वगैरह डिपर लाइटर सारे कंट्रोल आ गए। ये स्टार्टिंग का हो गया, ये हैंड रेस हो गई, ये हैंड ब्रेक हो गया, इसका हैंड ब्रेक यहाँ पे है। अच्छा, बहुत ही मतलब अच्छा है। ऐसी बात नहीं है, छोटे टायर है इस करके। और यहाँ पर सिंगल डीजल फिल्टर मिलेगा आपको। और तो चलिए आपको बोनट खोल कर दिखाते हैं, आगे का जायजा लेते ट्रैक्टर में कैसा क्या है। ये देखिए, जैसा कि मैं बता रहा था एक सिलेंडर इंजन है, बिल्कुल एवरेज वाला और दमदार इंजन है मेसी का ये छोटा सा। और यहाँ पर इसका साइलेंसर है, उसके साथ यहाँ पर इसका अल्टरनेटर होगा, ये बैटरी होगी 75 AH की बैटरी दे रखी है इसके अंदर। बोनट भी काफ़ी मजबूत है क्वालिटी वाइज। और इसमें जो इनलाइन पंप होता है सिंगल सिलेंडर, और तो फ्रंट में कुछ नहीं है। जो इसकी बात की जाए तो 30 लीटर का आपको ये डीजल का टैंक मिलने वाला है छोटे से ट्रैक्टर के अंदर। और 30 लीटर तो इसका बहुत देर तक चलेगा क्योंकि एवरेज काफ़ी शानदार देगा। तो यहाँ पर एक खास चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर अगर आप छतरी लगाना चाहते हैं छोटे ट्रैक्टर पे, तो यहाँ पर दो देखिए ये दो होल दिए गए हैं जिनके अंदर आप छतरी को फिट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही शानदार चीज़ इस ट्रैक्टर में हमें देखने को मिली। तो चलिए आपको थोड़ा सा ट्रैक्टर के ऊपर बैठ कर इसको चला के दिखाते हैं कैसा क्या इसको चलाने का एक्सपीरियंस रहता है। तो हम ट्रैक्टर के ऊपर बैठ चुके हैं। यहाँ पर देखिए इसका गियर बड़ा शानदार लगा, देखिए कैसे मलाई की डाल मक्खन की तरह लग रहा है गियर बिल्कुल। और यहाँ पर 4 गियर हमारे, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम एक बार। क्लच दबा ली हमने और यहाँ से आई में लगाते हैं, और यहाँ से इसका दूसरा गियर लगा लिया हमने। अब स्टीयरिंग को घुमाते हैं, जैसे ये रेस है यहाँ पे, ये देखे कितना शानदार चल रहा है भाई ट्रैक्टर, बहुत ही मजेदार ड्राइविंग है इसकी। यहाँ पे रेस दबाते हैं जैसे, और इसमें
इसमें ओ एलिमेंट ब्रेक दिए गए, यहाँ पर रिवर्स लगाते हैं इसमें।